तो तुम गाइस कैसे हो? आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे रहना। तो आज है January 5th और आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है क्योंकि मैं हाथ बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है गाइस। और अभी हो रहा है शाम के 4-5 बज रहे होंगे और यहाँ आप देख रहे होंगे सोलर पैनल क्यों लग रहे हैं। और सोलर पैनल इसलिए लग रहे हैं कि आप जैसे जानते होंगे खेतों में बहुत कम लाइट आती है, बहुत कम, रात को आती है 2-3 बजे और फिर किसानों को ठंड लगती है गाइस। इसलिए हमने सुबह के लिए धूप जैसे आएगी सोलर पैनल पे और यहाँ से जो भी जाएंगी वो तालाब में जाएंगी, तालाब से खेतों में जाएंगी उसको पानी सोलर का। और वहाँ पानी की टंकी लग रही है, पानी की टंकियों से सोलर में आएगा, सोलर से उधर आएगा खेतों में और फिर किसानों को भी बचत हो सकती है गाइस। और किसानों को आपको आप अगर जो बड़े हो छोटे हो कुछ भी हो तो आपको पता होगी कितनी ठंड हो रही है और अभी वो ठंड हो रही है गाइस 5-6 बजे तो अंधेरा हो जाता है। और अभी हम आए थे तालाब पे, करो तालाब है तालाब का नाम। और ये दोस्त तो गाइस 68 पैनल लगे और 1 वाट मतलब 1 सोलर 300 वाट का है गाइस। और अगर जो आपको हिंदी नहीं आती होगी 300 गाइस 300 तो गाइस सांस से निकल चुकी है, 300 वाट का 1 पैनल है गाइस। और यहाँ 68 पैनल है गाइस। तो आप सब सोच सकते होगी कि 1 में 300, 2 में 600 तो गाइस टोटल लोड है इसका 22 किलो वाट का गाइस। और यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि एक तरफ जितने होंगे और एक तरफ जितने होंगे पता नहीं गाइस, गिरे नहीं अभी। और तो गाइस यहाँ जालियाँ लगी हैं कि कोई चोर घुस ना जाए और शायद यहाँ करंट छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे पता नहीं। और वहाँ एक गेट लगा है और यहाँ सोलर पैनल लगे हैं, वहाँ उसका मीटर लगे हैं, 2 मीटर लगे हैं, एक इस साइड है और एक और उधर तालाब है। और एक बेरी का पेड़ है और एक बेरी का पेड़ यह है। तो जनवरी में बेरियाँ आने वाली है और हम यहाँ रोज आते हैं देखने, अपना ही तालाब है यार और बेरियाँ भी खाते हैं रोज। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।